नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो की जो फिल्मों में तो बुरी तरह फ्लॉप रहा, परंतु उसके बावजूद भी वो कैसे बना एक बादशाह। या यूं कहें कि आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के सबसे लग्जरी लाइफ जीने वाले शख्स की। जी हाँ, सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं साहिल खान की। 5 नवंबर 1976 को कलकत्ता के एक साधारण परिवार में पैदा हुए साहिल खान शरीर से बेहद ही दुबले पतले थे। दुबले पतले साहिल खान ने कभी नहीं सोचा था कि वह बड़े होकर भारत के यूथ आइकन बनेंगे। आगे चलकर उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें बॉडी बिल्डर बनना चाहिए, जिसके चलते वो मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद साहिल ने अपनी बॉडी को और निखारने के लिए जिम शुरू कर दिया, जहाँ पर उनको पहली बार एक प्राइवेट म्यूजिक एल्बम में काम करने का ऑफर भी मिला। साल 2001 में आई फिल्म स्टाइल में दो अभिनेताओं शर्मन जोशी और साहिल खान ने एक साथ काम किया। फिल्म चर्चित हुई, मगर इसका फायदा दोनों अभिनेताओं में से सिर्फ शर्मन जोशी को ही नसीब हुआ। इस फिल्म के बाद उन्हें नोटिस किया गया और लगातार बॉलीवुड में फिल्में मिलने लगी। आज शर्मन जोशी बॉलीवुड में एक बड़ा नाम है, मगर बात करें स्टाइल फिल्म के दूसरे कलाकार साहिल खान की तो वह बॉलीवुड में अपना कुछ खास नाम नहीं बना पाए। बॉलीवुड में स्ट्रगल करने के दौरान उन्हें चंद फिल्में ही नसीब हुई, लेकिन वह सभी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। मगर अपनी फिल्मों के फ्लॉप हो जाने के बाद साहिल आज जिस मुकाम पर खड़े हैं, उस वजह से वह करोड़ों रुपए कमाते हैं। आज साहिल खान फिटनेस की दुनिया में एक बड़ा नाम है, जिनके हर जगह बड़ी संख्या में फैंस मौजूद हैं। साहिल खान जहां भी जाते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बॉलीवुड में साहिल की शख्सियत एक गुमनाम अभिनेता की है, लेकिन फिटनेस की दुनिया में उनका जलवा है। साहिल अब बॉलीवुड की फिल्में नहीं करते हैं, लेकिन काम ना मिलने के दौरान उन्होंने अपना जिम खोला था, जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचा था। साहिल लगातार अपनी जिम की ब्रांच शहर दर शहर खोलते जा रहे हैं, जिससे उनके बिजनेस में काफ़ी मुनाफा मिल रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। साहिल की लाइफ काफ़ी कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है, परंतु उसके बावजूद साहिल खान हमेशा कूल ही दिखते हैं। साहिल ने 2004 में बॉलीवुड अभिनेत्री निगार खान से शादी की थी, मगर आज वो दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। आज साहिल सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और अपनी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। तस्वीरों में वह देश विदेश में अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। अगर उन्हें बॉलीवुड का सबसे रॉयल या शाही शख्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल से बड़े बड़े स्टार भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज साहिल की लाइफस्टाइल को बड़े बड़े स्टार फॉलो करते हैं। उनके फैंस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इंडियन यूथ उनको अपना आइकन, अपना आइडल मानता है। यहाँ तक कि साहिल भी अपने फैंस को कभी नाराज नहीं करते हैं। फिर चाहे रोड पर रुककर पीछा करने वाले फैंस को प्यार से समझाना हो, या फिर बर्थडे के लिए केक लाने वाले फैंस के साथ केक काटकर उनको खिलाना हो, वो सबको अपने दिल में रखते हैं। दोस्तों, साहिल खान की ये रोचक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। एक ज़रूरी काम आपको भी करना है, वो ये कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साहिल खान की इस कहानी को लाखों लोगों तक पहुंचाना है। क्या पता आने वाले समय में हमें एक और साहिल खान मिल जाए इस कहानी से प्रेरित होकर। तो दोस्तों, लगातार देखते रहिए सच की रफ्तार। धन्यवाद।